you idiot! Don't let him get away! गायब हो गया सर। That's impossible. He's got to be here. Search the huts again. अबू, तुम बच निकली। गोली लगी है। क्या ये सब यहीं खत्म हो जाएगा? क्या हम फिर से हारने जा रहे हैं पन्ना? अपू, मैं अब तुम्हें खो नहीं सकता। इतने सालों की मेहनत के बाद तो हर किस नहीं। हमारी दुनिया अलग थी। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि हमारे रास्ते एक कैसे हो गए। यह तोड़ी थी। ए चुप। चुंकू, डरो मत। हमारे पास सफेद कांच है। चल। चल। तू भी इनके साथ, हाँ? चल। मैं स्वदेशी नहीं। तुमने मुझे कितने ताने दिए थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के घर जाने के लिए, लेकिन हकीकत यह है कि मैं विश्वास करता था उन पर, उनकी हर बात पर। Hello, Wilkinson here. And that's a D minor, not a major. You have to concentrate, Junko. You tell Johnson to stand down. Yes, you heard me right. And tell him to return to police headquarters. Immediately. Sir. Sir. Wilkinson, sir, order. No action. तुम्हारे लिए वो एक पॉलिटिकल लीडर थे जिन्होंने आने वाले कल को देख रखा था। Guns down. Company about face. March. पर मेरे लिए मास्टरदा इससे भी कहीं ज्यादा थे। उन्होंने मुझे हर चीज पर सवाल करना सिखाया, यहां तक कि खुद उन पर भी। मैं आ नहीं सका, मतलब बाबा ने आने नहीं दिया धरने पे। उसके बारे में पूछा गया।
मैं तुम्हारे लिए जासूसी कहानियों का कलेक्शन भी लाया था, व्योमकेश बख्शी। हाँ, अंदर रखा है। कुत्ते की भी जिंदगी बेहतर होती है यार। कुत्ता तो जहाँ मन चाहे घूम सकता है, लेकिन हम ना खा नहीं जाएंगे तुझे वो लोग। सुखेंदु भी आने में जॉनसन को घेर लेना चाहिए था। कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे। अगली बार अभी करेंगे। चंद अंग्रेजों को उड़ा देने से आजादी मिल जाएगी हमें। Arrest him. Ganesh Ghosh. Anand Singh. Ambika Chakraborty. Loknath Pal. Nirmal Sen. And Mr. Surya Sen. So what is this sudden interest in geography? These areas that you circle. Why? Your planet. I was hoping you wouldn't tell me. I'm giving you one last chance, Mr. Sen. What is your plan? Shall we try again? What is your plan? Johnson! All this must stop at once. But I am very close to results, sir. Let them walk. Walk, sir? Yes. I want them tailed. I want details. Who they meet, where they go, what they do. You are trained in surveillance, I presume? Subhash? Beta, tumne mujhe bataya nahi aaj school mein kya kya hua? Junko, idhar aao. प्लीज, ये किताब कहाँ से आई? वहाँ पर मास्टर, तुम जानते हो ना कि ये किताब बैंड है। आप देख रहे हैं आपके साहबजादे कैसे वाहियात लिटरेचर पढ़ रहे हैं आजकल। शरद बाबू वाहियात है? मेरा मतलब इसमें बहुत सारी बातें हैं देशभक्ति की। और बाबा, मुझे नहीं लगता उनके पास कोई जबान। मत लड़ाओ। मैं इसलिए बैरिस्टर नहीं बनाऊ कि कल को तुम्हें जेल से छुड़वाऊं। मैं यहां मगजमारी कर रहा हूं कि किसी तरह से मेरा बेटा इंग्लैंड चला जाए। डीएम विल्किंसन ने अपने घर के सारे दरवाजे तुम्हारे लिए 24 घंटे खुले रखे हुए हैं और तुम उनका इस तरह से एहसान चुका रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? जल्दी आ। उस दिन मैं ऊँट रहा था, पीछे आए खड़ा हो गया। घूरे जा रहा है, घूरे जा रहा है, घूरे जा रहा है। मैंने बोला बेटा देख ले, ऊँट के रंग से पता चल जाएगा मैं क्रांतिकारी हूँ। वैसे क्या रिपोर्ट अंबिका दा? निर्बल क्या हुआ? एक भी सहमत नहीं हुआ। तो क्या उनको समझ में नहीं आया, ठीक से समझाया नहीं गया? उनके हिसाब से ये कहीं नहीं हो सकता, ना यहाँ ना कहीं और, सिर्फ ख्याली पुलाव है। ख्याली पुलाव मतलब? हम सबके मंसूबे ख्याली पुलाव हैं। कौन कहता है कि ये ख्याली पुलाव है? अगर हम कोशिश करें तो ये हकीकत बन सकते हैं। क्या बात कर रहे हो सोचो? पूरे चिटागों को कब्जे में करना, वो भी अकेले बिना किसी बाहरी मदद के, सोचना भी पागलपन है। बिल्कुल, और सिर्फ यही वजह है कि हम कर डालते हैं।
क्योंकि किसी को यकीन नहीं होगा कि ये होने वाला है। सबको लगता है कि अंग्रेज अनकॉन्करेबल है, वो जीते नहीं जा सकते, पर जो आज तक हुआ नहीं वो अभी क्यों नहीं हो सकता? अगर हम कामयाब ना हुए तो? अगर हम कामयाब हुए तो? ब्रिटिशर्स इतने बुरे नहीं जितने तुझे लगते हैं। मैं कभी समझ नहीं पाई कि मैं तुझे इतना बर्दाश्त क्यों करती हूँ। अब वो तुझे क्या लगता है, क्या सिर्फ माशला का रास्ता ही सही रास्ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सही रास्ता तो सिर्फ तुम दिखाओगे ऑक्सफोर्ड से वापस आने के बाद। अपू, अंग्रेजों से सौदा करने के लिए उनका हुनर आना बहुत जरूरी है। क्या ये सारे अंग्रेज तो तब से बैठे हुए हैं हमें आजादी देने के लिए, कमी तो सिर्फ तुम्हारी है। तुम उधर जाओ, तुम आ जाओ। नहीं नहीं, कलकत्ते से कोई मदद मिलने वाली है। अच्छा, हमें अपने चिटगांव में बेफिक्र रहो। और हथियार बोलो ना। मुझे लगता है मास्टरदा के सर में कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ बड़ा और अनोखा। जो कुछ भी है, मैं उसका हिस्सा बनना चाहती हूँ। एक बकरी तो मरते देख नहीं सकती, अंग्रेज मारेगी। बकरी मासूम होती है। चल। ऋतुओं को घर से निकलने तो दो। प्रीति, निर्मल दा तुझे चुप चुप के घूर घूर के देख रहे हैं। तुझे तो लगता है सारी दुनिया घूर घूर के देख रही है। चल। अंदर आ जाओ, आ जाओ, यहाँ कोई और नहीं है। मैं सिर्फ ये देखना आया था कि आप ठीक तो है। देख लो, एकदम एक पीस में हो। सिर्फ सीधे हाथ से कभी लिख नहीं पाऊंगा। बैठो, ये जरा बैंडेज बांध देना, ये हाथ से बड़ी मुश्किल हो रही है। मास्टर दा, आपको नहीं लगता कि आप मजे में होते हैं? अगर आप ये सब गोलीबारी, ये लड़ाई झगड़े, ये झमेले में ना पड़ते तो? इसीलिए तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम हमेशा अनसुनी और अनकही बातें करते हो। लेकिन मास्टरदा, ये सब नहीं हो सकता है। तुमने कभी अजायब घर में हाथी को देखा है? हाँ, कई बार। क्यों? उसके पैरों की जंजीरों की ताकत उसके शरीर की ताकत से बहुत कमजोर होती है, फिर भी वो तोड़ नहीं पाता। मालूम है क्यों? क्योंकि उसे बंधे रहने की आदत हो चुकी होती है। विनोद, उधर देख, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। उधर डालो, उधर डालो, उधर डालो। Tell me how your education is coming along. Oh, good. I came first in the class. Really? You know, I promised your father every assistance for you to go to England. You would like to study in England, wouldn't you, Junko? Yes, yes. I want to be a lawyer like my father. Splendid. By the way, I wanted to talk to you about what happened to Johnson. Do you know who did it? Look, I've made a list of names of boys, and shayad tum unhe jante ho, Junko. Amar Nandi.
Tune Chowdhury, Sukendu Guha. पतझड़ मेरा सबसे प्रिय मौसम था, जब ठंडी ठंडी हवा बिखर कर तपती हुई गर्मी को पिघला दिया करती थी। यहां तक कि मैं भी फुटबॉल खेलने के लिए बाहर निकल आता था। चल चल चल, कोई नहीं, कुछ नहीं होगा। तब तक जॉनसन की घटना यादों से मिट चुकी थी। आप बताओ क्या करना है, यह हम बतला देंगे साले गोरो को। He killed a boy. It was an accident. The unintended consequence of overzealous law enforcement. You can't justify this, darling. बोलो कब लेते हो चिटागो में? तुमने कुछ तो कहा था ये सब कुछ नामुमकिन था। ऐसे और भी ला सकता हूं। चलाएगा कौन इनको? जो लोग चलाना जानते हैं तो निगरानी में है या जेल में। तो उनका इस्तेमाल करते हैं जिनको इसका इस्तेमाल नहीं आता। क्या मतलब? मतलब वो सब जो वाइट कार्ड होल्डर्स, रेड कार्ड की शको शुभ से दूर। नहीं, ऐसा नहीं। साला सुखेंदु की मौत का जिम्मेदार। तूने उनको सुखेंदु के बारे में क्यों बताया? तुझे मालूम नहीं था कि वो उसके साथ क्या कर सकते हैं? साला गद्दार। बेचैन है सपने, नए आसमां बुलाए पंख ये बोले डोलो डोलो डोलो।
सागर की लहरें झील में समाए, पानी ये बोले खोलो खोलो खोलो, एक जंग है जारी, ये रूह है भारी। ये पक्का यकीन था तुम मुझे यही मिलोगे। आप मेरा भरोसा कीजिए, मैं कत्तार नहीं। किसने कहा? हरगिज नहीं। सुखिंदुदा मुझे बहुत पसंद है। मुझे पता है। वो विल्किंसन, मेरा उल्लू खींचा उसने। मुझे कितना घिनौना लग रहा है। मैं समझ सकता हूँ। आप नहीं समझ सकते। आपकी वजह से आज तक कितनी नीचा नहीं देखा था ना। मुझे सुखेंदुदा की मौत का बदला चाहिए मास्टर दा। मैं छोड़ूंगा नहीं उस जॉनसन को। My leave's just come through, you know. Really? Yes. Here's to a white Christmas. Evening. Good evening. This is by far the best. The Governor General in Calcutta asked me to give this to you. I can't. But I requested Johnson's transfer. Ladies and gentlemen, may I raise a toast in honor of our new DIG of police, Chittagong. Here's to Mr. Charles Johnson. Sir? Yes. Junko Baba calling downstairs. Excuse me, one moment. Yes, Junko, what is it? Johnson is DIG? Chief of Police? Usse inaam diya gaya hai Sukhindu ko maarne ka. Junko, I think you'd better go home. Ye jisko chila chila ke British justice kehte the. You liar! You hypocrite! ये मेरे बाबा की है। मैं इसे चुरा लाया हूँ। क्यों? मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। तो हमेशा मेरे साथ हो जाओ। ऐसे नहीं, इसके साथ। मालूम भी है कि हम क्या चाहते हैं। आप उन गुरु को निकाल देना चाहते हो ना, तो इतना काफी है मेरे लिए। देखो अभी तुम थके हुए हो, कल देखते हैं। कल नहीं, आज, अभी इसी वक्त। अगर आपने मुझे अभी इसी वक्त आपके साथ नहीं लिया तो मैं यही भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। तैयारियां शुरू हो चुकी थी। सब लोग ध्यान से देखना, एक आंख बंद और एक आंख निशाने पे। फायर। मैं रोज सुबह सुबह घर से निकल जाया करता था। मैंने माँ को यह कहकर शांत कर दिया था कि मेरा स्कूल की फुटबॉल टीम में सिलेक्शन हो गया है। जरा सोचो, मैं और फुटबॉल टीम। फायर! कोई नहीं, कोई नहीं। उन दिनों तुम बहुत कम नजर आती थी पढ़ना।
आराम से आराम से आराम से सब बैठो 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 आराम से आराम से कमर सीधी एक साथ हाँ सांस अंदर जिनको कमर सीधी सांस बाहर सांस अंदर सांस बाहर अरे तुम लोग सब इधर क्या कर रहे हो हाँ क्या कर रहे हो और इस वक्त आने वाले फुटबॉल मैच की प्रैक्टिस कर रहे थे श्रीमान थोड़ा योग ध्यान कंसंट्रेशन करेंगे आप चुप बैठ बे और अपने लौंडों को भी चुप करा चलो भाई अपने अपने कार्ड दिखाओ देख ले सारे सफेद हैं हो गई तसल्ली सांस अंदर सांस बाहर सांस अंदर गोली बाहर बंदूक अंदर गोली बाहर और कमर तो सीधी रखो जा रहे जा रहे जा रहे गए 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 ध्यान से सुनो अंग्रेजों की ताकत चिटागोंग में सिर्फ दो जगहों पर है पुलिस लाइन और ऑक्सिलरी फोर्सेस आर्मी इन दोनों जगहों को तोड़ दो उनकी कमर टूट जाएगी मशाल में जगा दो मुझे जीने की वजह दो कह रही है मुझसे जिंदगी अस्तित्व ही मिटा दो मुझे दो सूत्री गेट पर खड़े हैं चार गार्ड पर होंगे आपको लगता है सारे अंग्रेज वहीं बैठ के चाय पीते तो वहां धावा बोलते हैं ना जब सारे अफसर एक साथ बैठे राइट यूरोपियन क्लब एक साथ सबका कमीशन निबड़ जाएगा नहीं 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 मतलब इतना आसान नहीं वो लोग एक फोन में मदद मंगवा लेंगे कहां से कलकत्ता से और कहां से हां तो रेलवे लाइन बना दो बात ही खत्म हो गई और साथ में टेलीफोन लाइंस भी बच्चे और तजुर्बे के नाम पे जीरो वैसे तुम कितने बड़े थे जब तुमने उस गोरे को पीटा था सतीनाथ ने हथियार देने से मना कर दिया तो कितनी बंदूकें बची हमारे पास 5 पिस्तौल 7 राइफल्स कुल मिलाकर 12 फायर पीछे जाओ जंको वेदो हरी फायर बाद में क्या होगा उनमें से किसी ने भी 20 भी बार नहीं किया है अभी भी सोच कर देखो यंग थोड़ा आगे नहीं कर सकते हरगिज़ नहीं अगर अभी नहीं कर पाए तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे
darling, what's happened to your idea about returning home? There'd be no one to make you chicken there. Well, I quite like cooking. A letter from my brother. One third of Glasgow is out of work. ये सही जगह है ना छुपने के लिए? नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा मास्टर दाने तुझे क्यों लिया इस मिशन में। होठों की मुंडेर पैरों की मोतियों सी बात बोल दो, फीकी फीकी सी है जिंदगी, चीनी चीनी ख्वाब घोल दो, देखो ना बीत जाए ये लम्हे ये घड़ियां। बोलो कैसी हो? अच्छी हूँ। मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रहा था। बोलिए ना। प्रीति, मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, मतलब मैं तुमसे कहना चाह रहा था कि बोलिए ना। मैं तुमसे बहुत प्यार, मतलब मैं तुम्हारे प्यार करने की, मतलब तुम्हारे लड़ने की जो शिद्दत है वो सबके सामने एक मिसाल बने, और आगे भी इसको कायम रखना तुम। तो फिर हमें भी साथ ले चलिए। तुम्हें कैसे मालूम हूँ कहीं जा रहा हूँ? तुम कहीं जा रहे हो? नहीं, देरी हो रही है मुझे। निर्मल दा, मैं बाद में मिलता हूँ। धड़कन झुमझुम, सांसें रुमझुम, मन घुंघरू सा बाजे, आँखियाँ पायल, सपने कंगना, तन में थिरकन साजे। क्या हो गया तुझे बेटा, आजकल अजीब सा बर्ताव करने लगा है। कहानियों से ठेल के कहती हवा, इतर की शीशी खोल तो जरा, राग महकाओ, गीत छलकाओ, मिसिर सी खोलो ना, खोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। एक बात का ख्याल रखना कि हम कोई भाड़े के टट्टू नहीं हैं जिन्हें खाली खून बहाने में मजा है। माँ तुम्हें ढूंढ रही है। हमें कोई हक नहीं बनता कि हम इनकी माँ बहनों के साथ वही करें जो इन्होंने हमारी माँ बहनों के साथ किया है। इनोसेंट को कोई चोट नहीं पहुंचेगी, वो चाहे हिंदुस्तानी हो या गोरा। चलो, टाइम हो पंद्रह मिनट में मालगाड़ी आ रही है। होगा
आर्मरी को गार्ड करने के लिए सिर्फ मुट्ठी भर सिपाही मौजूद थे। गोरों को लगता था कि कोई हिंदुस्तानी उनकी हुकूमत के एक मील दूर तक भी नहीं फटक सकता। जल्दी निकलो यहाँ से, चलो आर्मरी रूम पहुंचो जल्दी, चलो। और तुम दोनों दफा हो जाओ यहाँ से, और जाके साले मजिस्ट्रेट को बता देना कि चटगोंग आज से संग्रामियों के कब्जे में है। जी सर, सर वर्दी तो पहनने दीजिए। जो पहने वो भी उतारूंगा, निकल यहाँ से। हमें एक भी गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। जान बचाओ अपनी। अच्छा ही हुआ मेरे हाथ इतने पसीज गए थे कि मैं राइफल भी ढंग से पकड़ नहीं पा रहा था। You bloody bastards! Hands up! AFI आर्मरी से मशीन गन्स लाने की जिम्मेदारी लोकनादा और निर्मलदा की थी। Barge in like this, sir, but the AFI armory, it's been taken over. What are you talking about? Sir, terrorists, sir. Where are your uniforms? Sir, guns, they take over Surya Sen, Ganesh Ghosh and Anand Singh, sir. I'll call Tate. It's no use, sir, the lines are cut. Railway line also, no train can come. But I thought I told you to have them under constant surveillance. We expected them to call. There's no point in going over that now. Have they come to the British cantonment? No, we are safe here. Let's not fool ourselves any further. We have to flee this town. उन लोगों ने चिट्टगांव पे कब्जा कर लिया है। मास्टरदा और निर्मलदा और लड़कों ने। झुनकू भी उनके साथ है। झुनकू? क्लब काफी सुनसान नहीं लग रहा। तुम लोग यही रुको, आ जा मक्खन। गोरे सब कहाँ है? बोल ना, कहाँ है? वो आज गुड फ्राइडे, क्लब बंद है। सब कमरों में देख लिया, कहीं कुछ भी नहीं है। यही होनी चाहिए थी। दो दिन मुकाबला नहीं कर पाएंगे। शहर में घुसना तो बहुत दूर की बात है। पहले मैं शहर का मुआयना करके आता हूँ, कहीं अंग्रेज पलटवार ना कर रहे। तेरा तूने कभी मशीन गन देखा है क्या? क्या हुआ? हथियार कहाँ है? मशीन गन नहीं मिली। सब जगह ढूंढ लिया था हमने, कहीं और रख दिए होंगे सालों ने पक्का। मतलब पूरी प्लानिंग फेल। क्या मुंह दिखाएंगे हम चिटगांव को? घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही परेशान होने की। देखो अभी इसी वक्त कुछ देर पहले यहां ऐसा कुछ हुआ है जो ना कभी देखा गया ना कभी सोचा गया। ब्रिटिश हुकूमत को उसकी जड़ों से ही हिला दिया है, झिझोड़ दिया है। और यह किसी ट्रेंड फौज ने नहीं किया है, यह किया है कुछ चंद बच्चों ने, तुम लोगों ने, तुम सब ने, तुम सब उसके हिस्से हो। इतिहास अगर कुछ याद रखेगा तो सिर्फ इस बात को, इसके अलावा कुछ नहीं।
इंडियन रिपब्लिकन आर्मी इनकलाब What you need is to strike terror into the hearts of every resident in Chittagong. Go after anyone who is even remotely sympathetic to the rebels. Begging your pardon, sir, but we'd lose every bit of credibility. In India, one rules firmly, or not at all. Sir, everybody, even within our own administration, is upset with the Bengal Ordnance Act. Don't you see, Wilkinson? We need to stop the spread of this disease at any cost. You are a fine and upright fellow. I would hate to lose you over this nasty mess. हमारे देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि इतनी पुलिस और मिलिट्री के रहते हुए गौरी एम्पायर को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो शर्म से मुंह कहाँ छिपाए और ये सब किसके कारण हुआ है आप जैसे चंद बच्चों के कारण जिनके सर पे मास्टर दा का हाथ है हमारे मास्टर दा शूरजो सेन चिटागोंग उस एक दिन बिना अंग्रेजों के था बिना किसी हुकूमत के लेकिन वो एक दिन बहुत जल्दी खत्म हो गया पढ़ना हमारे पास मशीन गन्स नहीं थी हमारे मिलिट्री कमांडर्स अनंदा और गणेश दा लापता थे हम पीछे हटने के लिए मजबूर थे मास्टर दा ने उन दोनों को शहर का मुआयना करने के लिए भेजा था कहीं वो शहर में पकड़े तो नहीं गए जब वापस पुलिस लाइन में मिलना था तो गए कहाँ सब लोग हम चितगोंग पर नजर घुमाने आए थे घूमने नहीं आए थे यहाँ मैंने कहा था जल्दी कर ले तो किसने कहा था यहाँ साथ आने के लिए मास्टर दाने सिर्फ हमें भेजा सारा ज्ञान गाड़ी में बांट देगा क्या कलकत्ता तक बचा के रख कुछ अंग्रेज फिर से चिटगोंग लौटे और इस बार उनके साथ था एहसान उल्ला CID ऑफिसर और अब इस शहर को मोल चुकाना था सूर्य सेन कहाँ है हर चीज का सूर्य सेन कहाँ है लाइन में खड़ो ध्यान से सुनो मुझे नाम चाहिए सबके जो आर्मी रेड में शामिल थे मैंने बोला नाम चाहिए गाड़ी में डाल सबको आए, नीचे उतरो इधर आओ इधर आओ जल्दी कौन सा गांव से हो दलगा गहिरा से दलघाट के रास्ते से आ रहे हैं भूख से मर रहे साहब हमने भी एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया था हमारी बीवी मर गई साहब दिखाओ इसमें क्या है दिखाओ नहीं दिखाओ तो एक कंबल है साहब हम जाएंगे थोड़ा कमा के लेके आएंगे साहब इसमें कुछ नहीं है भारत रजत मकान उतर उतर ठीक से बांध देना वहां कसके चलो अब क्या करें आमिका सीधे कलकत्ता अनंदा और गणेशदा को ढूंढने की हर कोशिश नाकामयाब थी सब खाने पीने का सारा सामान भी खत्म हो रहा था कुछ मैंने पहली बार मास्टरदा को घबराते हुए देखा तो इसका मतलब हम दो के लिए दो जाने का वाले उन्हें देखकर मैं डर गया और बाकी सारे भी सलाम कहिए बिस्किट कुछ बिस्किट वगैरह पैक कर दो जी कुछ मूरी भी ये भी लगा लेना पैसा
खाना तो चाहिए होगा। कितना हुआ? मुझे क्या नहीं मालूम आप लोग कौन हैं। चिटागंग पर हमले की खबर हर अखबार में लिखी थी। अगर मैं अपने लोगों से पैसे लूंगा तो मुझे जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी। खुदा से आप लोगों के लिए रोज जुआ पढ़ता हूँ। आज थोड़ी ज्यादा पढ़ूंगा क्योंकि आज आप लोग मेरे सामने हैं। अल्लाह तुम लोगों के जंग को कामयाब करे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। यहाँ कब तक बैठे रहेंगे हम? बेकार जाके घुस जाते हैं, बस अटैक करते हैं यूरोपियन क्लब पे। नहीं कर सकते, नहीं हो सकता। बात उनको 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 पता चल गया है कि हम यहाँ पर हैं। अच्छा हुआ अब हमारी बारी है। कम से कम हमको इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा। This is where they were last seen. They're cornered. They can't escape. Our strategy is simple. We overwhelm them. If that fails, we have our Lewis guns, don't we? That is going to be a guaranteed bloodbath. This is a war. You know, most of those rebels are under 18 years of age. डर लग रहा है? घर की याद आ रही है। जो जाना चाहता है अभी जा सकता है। तुम्हारे दिमाग में सवाल उमड़ रहे होंगे। मैं जानता हूं कि कल जंग में मुकाबला हम कैसे कर पाएंगे। तो मैं बता दूं कि हम कर पाएंगे और जमकर कर पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पास वो है जो इन विदेशी घुसपैठियों के पास नहीं है। वो है तुम्हारा आत्मविश्वास, और इस विश्वास के लिए लड़ने की बेपनाह अटूट हिम्मत। इस हिम्मत को कभी टूटने मत देना और हम जंग ये जीत जाएंगे। हिम्मत है? हाँ। हिम्मत है? हाँ। है? हाँ। जोर से। हाँ। और जोर से। हाँ। जोर से। हाँ। उस वक्त मैं सोच नहीं रहा था कि मैं मर जाऊंगा। मुझे यकीन था कि मैं मरने वाला हूं, और मरना ज्यादा बेहतर भी था पढ़ना तुम्हारी नजरों में कायर बनकर जिंदा रहने से। मुझे वाकई हैरानी हुई थी पढ़ना जब मास्टरदा ने लोकनाथा को चार्ज दिया था। वो सिर्फ 23 साल के थे तब। साथियों, आज वो दिन आ गया है जिसका हम सबको इंतजार था। इन अंग्रेजी कुत्तों को हम दिखा देंगे कि हम 50 उनके लिए 50,000 के बराबर हैं। सबको पत्थर दिख रहा है? हाँ। पत्थर दिख रहा है? हाँ। इन गोरों को हमें उससे आगे नहीं बढ़ने देना है। वहीं से वापस खदेड़ना है शानों को। सभी लोग सावधान हो जाओ और अपनी अपनी पोजीशंस लो। मूव।
डर लग रहा है। ऑर्डर्स फॉलो करना। मैं कल रात बहुत परेशान हो गया था और मैं आपको छोड़ के जाने का मन बना चुका था। मुझे मालूम है, मुझे ये भी मालूम है कि अब तुम कभी छोड़ के नहीं जाओगे। Now! Smith, start the machine gun fire! Outflank them! Yes, sir. पीछे का अटैक को संभाल। गंदे गन, गंदे। झुक के जाना, झुक के। वो विक्रम, विक्रम पता नहीं चला। नीचे। नीचे, नीचे।
हम सब जा रहे हैं। तुम लोग जल्दी निकले। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी सावधान। The train service between Calcutta and Chittagong has resumed from today. Even though peace and order has been restored in Chittagong, the rebels led by Surya Sen. तुम सब बच्चों को हम अपने अपने घर वापस भेज रहे हैं, क्योंकि अभी तक उन लोगों को तुम्हारा नाम पता मालूम नहीं है। ये सुरक्षा के लिए भी ठीक है। बात सुनिए, अभी अभी तुम लोगों को बहुत बड़ा काम करना है, समझ में आया? नहीं नहीं नहीं, हमें जो काम करना है आपके साथ रहकर करना है। हम घर वापस नहीं जाएंगे। हमें शहर में भी तो लोग चाहिए। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है, ये जारी रहेगी। और ये कहां लिखा है कि देश के लिए लड़ने वालों को घर बार छोड़ करके हमेशा भागते ही रहना पड़ेगा? खबर मिली है कि कुछ संग्रामी इस तरफ आ चुके हैं, और हकीकत में वे सब जरायम पेशा लोग हैं, मुजरिम हैं, डाकू हैं। और सबसे बड़ी बात, सारे के सारे हिंदू हैं। अरे आप फिक्र मत कीजिए, ये मुसलमानों का गांव है, उन्हें यहाँ ऐसे भी पनाह नहीं मिलेगी। हम आपसे यही उम्मीद कर रहे थे रहीम मियां। खुदा हाफिज। हमारे लिए कोई संदेश? क्यों बताऊं? वो सिर्फ मास्टर दा के लिए। तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? अभी भरोसा नहीं है मुझ नहीं, पर। भरोसा है, भरोसा है, इसलिए तो कलकत्ता जाने के लिए हमने तुम्हें चुना। हमने? हाँ? आप बताओ, आपको भरोसा है मुझ पर? प्रीति, इस काम में बहुत खतरा है, हम कभी भी पकड़े जा सकते हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से। लेकिन आप हैं ना मेरे साथ? इसे चलाना सीख लेना चाहिए। मैं सिखाऊंगा। झुलकू, हाय बेटी।
देख बेटा, तेरी पसंद की मछली बनाई है, खीर बनाई है, ले खा ले। तुम दोनों पीछे जाओ, चलो। माशिमा पुलिस। यस मिस्टर एहसानुल्लाह, क्या प्रॉब्लम है? तलाशी लो। यस सर। बेटा कहाँ है आपका? वारंट है आपके पास? वारंट की जरूरत नहीं है, अब आपको तो मालूम ही होगा मिसेस रॉय, बेटा कहाँ है आपका? घर में नहीं है सर। खेल खेलोगे? अरे ए पिछड़ो, मिस्टर एहसानुल्लाह ये झाड़ू आ दूंगा इसका। अरे आपके गन है, प्लीज पिछड़ो। मिसेस रॉय, आपको अपने बेटों में से सिर्फ एक को चुनना होगा, और ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, सिर्फ तीन तक गिनूंगा मैं। एक, प्लीज इसे छोड़ दीजिए। दो, एहसानुल्लाह प्लीज देखो सर। देखिए इसने, देखिए मेरे बेटे ने दो दिन से कुछ खाया नहीं है। प्लीज सर, एटलीस्ट ग्रांट हिम बेल। आई एम सॉरी रॉय, इट्स फार टू सीरियस एन ऑफेंस। कांट सर्वाइव इन जेल, ही इज टू डेलिकेट। नॉट दैट डेलिकेट दैट ही कुडंट टेक अप आर्म्स अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। लुक रॉय, You get him to talk, and I'll see what I can do. Good night. Jhutku. Baba, please, मुझे ऐसे नहीं चाहिए. Please, Baba. मैं यहां से तुम्हें निकाल लूंगा। बस बेटा प्लीज, इन लोगों को तुम सब कुछ बता दो, और फिर मैजिस्ट्रेट विल्किंसन ने हमसे क्या? आप उस आदमी के पास गए थे। Why don't you try to understand me? वही आदमी हमारी मदद कर सकता, और कोई नहीं। नहीं चाहिए मुझे मदद। बेटा तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचना। सोच लिया है मैंने। आप बस माँ से कहिए कि वो मेरी चिंता ना करे। चुमकुन, बेटा इतनी जिद अच्छी नहीं है। मैं जिद्दी नहीं बन रहा हूँ बाबा, अब ना ही आप इसे रोक सकते हो और ना ही मैं। चुमकुन की कोई खबर नहीं? Junku, look at me. What has happened to you? Why have you given up on Oxford? Tumko malum tum kitna mushkil mein phansa hai. We know who the leaders are. What we need you to tell us is where they are. Where did you last see Surya Sen? Junko, I'm your best chance. Give me something, and I'll see to it that you're spared. All right? So, let's try again. What were your instructions after your return home?
Speak up, lad, speak up. I know what Essonola and Johnson are capable of. I don't want to have to hand you over to them. ये सब कुछ बदला सकता है सर. All right. Remember, he's only 14. Junko, no one wants to see you hurt. But I need to know. Where is Mr. Sen? Junko. Where is Surya Sen? कहाँ है निर्मल? You didn't have him tortured, did you? Have you lost all sense of decency? Johnson, I want results. You have exactly 1 week to find those bloody terrorists. I don't care how you do it. I want to see them behind bars. Ananda, police! That's it, out! Police! Surya Sen kahan chhipa hai? Maine pucha kahan hai Surya Sen? हमें तुझ पे बहुत नाज़ है बेटा.
हम जेल से भागने वाले थे, सुरंग खोदकर, और इस तरह लगातार दूसरी क्रांति की शुरुआत होती। मैं गर्व से भर उठा कि मास्टरदा ने मुझे चुना था। हमने 30 दिन तक सुरंग खोदी, बॉम्ब्स अपनी अपनी जगह लगा दिए गए थे, बचा था तो सिर्फ उनका फ्यूज जोड़ना। बच्चों को बचाना ही पड़ेगा, यूं खड़े उनको फांसी पर चढ़ते तो नहीं देखूंगा। तो बस देर मत कीजिए, सिर्फ एक यही तरीका है अंग्रेजों से आमने सामने बात करने का। उनको झुकाने के लिए हमारे पास कुछ तो होना चाहिए। वो एक के बाद हमारे लड़कों को मारते जा रहे हैं और हम खामोश बैठे देख रहे हैं। उड़ा देना चाहिए सबको। एहसानुल्लाह जॉनसन, इन लोगों ने जो कुछ भी किया है उसे देखते हुए इनको जीने का कोई हक नहीं है। पुलिस मास्टरदा, आप प्रीति को लेकर जाइए, मैं इनको संभालता हूं। नहीं, तुम भी साथ चलो। मास्टरदा आप जाइए। फायर! निर्मल चलो। मास्टरदा आप जाइए। निर्मल, निर्मल मैं कहना चलो। मास्टरदा ये मोमेंट नहीं रुकने चाहिए। बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। प्रीति चलो, प्रीति चलो, बोलो ना, चलो, चलो। ऋतुओं को घर से निकलने तो दो, बोए थे मौसम खिलने तो दो, होठों की मुंडेर पैरों की मोतियों सी बात बोल दो, फीकी फीकी सी है जिंदगी, चीनी चीनी ख्वाब घोल दो, देखो ना बीत जाए ये लम्हे ये घड़ियां, बोलो ना। निर्मलदा की मौत ने सबको हिला दिया था। मैंने पहली बार अनंदा, गणेशदा और लोकनाथा को रोते हुए देखा। क्या हमें हमारे मिशन की यही कीमत चुकानी थी? गामा धगामा सागमा नेसा, गामा धगामा सागमा नेसा। निर्मल होता तो यही करता। मैं खुश हूं कि आज लड़कियां हमारे साथ हैं। मैं एक नई नवेली दुल्हन घर छोड़ के आया था इस लड़ाई में कूदने के लिए। वो मुझसे भीख मांगती रही कि मैं उसे भी साथ ले चलूं, लेकिन उस वक्त मैं पता नहीं क्यों घबरा गया था। अब क्यों नहीं ले आते आप उन्हें? अब भी क्या बिगड़ा है? काशला पत, लोग बाग मरने के बाद पता नहीं कहां चले जाते। हिंदुस्तान में बहादुर बेटों की कमी नहीं है। इस मुल्क की मिट्टी उनके खून से लहलहाई हुई है, लेकिन आज एक नई बात इस हवा में होगी। गौरी हुकूमत को यह पता चल जाएगा कि
कि हिंदुस्तान की बेटियां भी वक्त आने पर अपनी जान को कुर्बान करने में कोताही नहीं बरतती। Ladies and gentlemen, there may be some here among us who believe that our methods have been less than effective. The fact is, a great deal of headway has been made against Mr. Surya Sen. Hey! All right. No mistake. चुप्पी झनकार बने शब्द खनकाओ छंद बिखराओ मन के संग होलो ना बोलो ना बोलो ना बोलो ना बोलो बोलो ना बोलो ना। लेकिन झुंकू, नम आंखों के साथ खबर ये भी है कि प्रीति लता दी अब हमारे बीच नहीं रही। A chit of a girl took over the European club. Johnson and Essanullah have been killed. And you haven't got a clue where Surya Sen is hiding. It's preposterous. He can't elude us for much longer, sir. You've been telling me that for the last 3 years. We have an offer from Surya Sen. He will cease all attacks against us, provided we spare the lives of all his boys. I can't pull back now. It would be positively humiliating. I will let you know how to proceed. हम में से किसी को सजाए मौत नहीं मिली। 30 लड़के छोड़ दिए गए, लेकिन अनंता, गणेशदा और लोकनाथा के साथ हम 12 लोगों को अंडमान भेज दिया गया। काला पानी, दूर समंदर के उस पार, जिंदगी भर के लिए। क्या हमारी क्रांति महज एक पानी का बुलबुला थी? कैसे किसी को कोई फर्क पड़ा? या वो एक सिर्फ बहुत बड़ी गलती थी?
मास्टर दा की भावनाओं का असर हर एक गांव में फैल चुका है। तुम्हें पता है झुंकू, किसानों ने ब्रिटिश हुकूमत के सामने आवाज उठानी शुरू कर दी है। हिम्मत मत हारना झुंकू, तुम्हारी अपना। मेरा समय खत्म हुआ रहीम, मुझे मालूम नहीं इतिहास ने मेरे लिए क्या फैसला बचा के रखा है, इन मासूम बच्चों को आजादी की लड़ाई में धकेलने के लिए। मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि मैं इनको एक नई दिशा दे पाया या नहीं। पंजाब और बंगाल में हुए मूवमेंट्स का नतीजा था 7 साल बाद मेरा यहां से रिहा होना। काला पानी मेरी जिंदगी के सुनहरे दिनों का एक काला इतिहास। मैं लौट तो रहा था पढ़ना, शायद इस एहसास के साथ कि क्या मेरे पास चिटगांव के लिए अब भी कुछ बचा है। बेचैन है सपने नए आसमां बुलाए, पंख ये बोले डोलो डोलो डोलो, सागर की लहरे झील में समाए, पानी ये बोले खोलो खोलो खोलो। तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? एक जंग है जारी, मेरी मर्ज है भारी, नजरों के आगे कैसा ये धुआं। अरे लेकिन हम लोग जा कहां रहे हैं? ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है, ये जारी रहेगी। मास्टर साहब पुलिस आ गई है, चाहिए। सूर्य सेन, you're under arrest. संगठन, ये संगठन गया तो सब चला जाएगा। इस संगठन को तुम्हें पालना है, पोसना है, जैसे जैसे तुम अपने फसल को पालते हो, पोसते हो। और जब ये फसल पक कर तैयार होगी तो यकीन मानना, इस फसल की अनाज से सोना उगेगा, इसके इसके बालों से चांदी चढ़ेगी। मास्टर दा की कुर्बानी बेकार चली जाएगी, ये सारा संघर्ष लड़ाई फिजूल थी। फिजूल हो जाएगी अगर तुमने अपना रास्ता बदल दिया तो। मैं अकेला पड़ गया। चलो झुंकू, तुम्हें बहुत कुछ दिखाना है। अंग्रेज और जमींदार ने मिलकर पूरी फसल हड़प ली है। वही गोदाम है जहां फसल रखी है, लेकिन अब किसान भी पीछे हटने वाले नहीं है। 20 गांव तैयार है। वक्त आ गया है अपनी फसल को गोदामों से वापस लेने का। मैं तुम्हारी आंखों में उम्मीद देख रहा था पढ़ना, पर शायद मैं उसके लिए अभी तैयार नहीं था।
ए, रुको, वापस जाओ। किसान अपने गांव से कैसे निकलेंगे? चलो जुमको, चलो। पुलिस सारे गांव को नजरबंद कर देगी। तो क्या हुआ? पुलिस ही तो है, भिड़ते हैं ना? क्या मतलब है भिड़ते हैं? पांच से ज्यादा इकट्ठा हुए तो ये पकड़ के अंदर कर देंगे। गोदामों तक पहुंचना तो दूर की बात है। सुरंग, सुरंग, सुरंग मतलब हम हर गांव से सुरंग खोदेंगे और हम सब लोग इस रास्ते से वहां तक पहुंच सकते हैं। सुरंगों से किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, ये मुमकिन है? चाचा मास्टर तो हमेशा कहते थे कि दुनिया की किसी भी जेल को तोड़ना नामुमकिन नहीं है। हम लोग बहुत सारे हैं, अगर एक साथ 2400 घंटे भिड़ गए, ठान ली कि नहीं करना है, तो ये इतने कम समय में हो सकता है कि किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। और इन गोरों को तो हवा तक नहीं लगेगी इसकी। ठीक है, ये हो सकता है, बिल्कुल होगा। रहना है, सोना नहीं। आंखें खुली रखो, मेरी चिंता छोड़ो, तुम जाओ यहां से। सैकड़ों लोगों को तुम्हारी जरूरत है, जाके ढूंढो उन्हें। मैंने कभी तुम पर अविश्वास नहीं किया था। मैं आ रहा हूं ना। We know what you're up to. हम आज इसी रास्ते से गुजरते हुए गोदामों तक पहुंचेंगे। मैं तुमको एक चांस दे रहा है, turn and return. और हम प्रिटेंड करेगा कि तुम यहां नहीं था। इस फसल पर सिर्फ किसानों का हक है। मैं तुम्हारा मदद करना चाहता है। पहले भी की थी ना एक बार मदद,
then you're under arrest. सुनो, ध्यान से। ईशान की झनकार है।
की मुंडेर पैरों की मोतियों सी बात बोल दो, फीकी फीकी सी है जिंदगी, चीनी चीनी ख्वाब खोल दो। देखो ना बीत जाए ये लम्हे ये घड़ियां, बोलो ना बोलो ना बोलो ना बोलो ना